अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नवभारत द्वारा आयोजित महिला क्रिकेट स्पर्धा का समापन रविवार को हो गया। समापन कार्यक्रम में विभिन्न समाज वर्ग की महिलाओं ने हिस्सा लिया। स्पर्धा में पूरे क्षेत्र में जो है काफी नाम बटोरा, प्रशंसा पाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन से शुरू सुरुचि महिला क्रिकेट स्पर्धा का रंगारंग समापन रविवार की शाम को हो गया। समापन अवसर पर शहर के वरिष्ठ नागरिक और प्रतिष्ठित महिलाएं सीएमडी कॉलेज मैदान पर मौजूद रहीं। अतिथियों ने महिलाओं के इस क्रिकेट स्पर्धा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नवभारत का ये अनोखा आयोजन है जो शहर में पहली बार घरेलू महिलाओं को किचन से बाहर मैदान तक ले आया है। From the kitchen to the playground, it's a big leap for us. आयोजन के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शैलेश पांडे, अतिथि पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी, पूर्व पार्षद वी रामा राव, न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज की एमडी प्रियंका अग्रवाल, त्रिवेणी डेंटल कॉलेज की एमडी रेशु जैन, अपोलो हॉस्पिटल की गायकनोलॉजिस्ट डॉक्टर रश्मि शर्मा, विजडम ट्री फाउंडेशन की डायरेक्टर पलक जायसवाल, समाज सेवी रीता राजगीर, चरण स्पर्श के डायरेक्टर मनीष मोटवानी, तनिष्क के डायरेक्टर नितिन अग्रवाल, वंदना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सी एस उइके और आदिवासी समाज की महिला अध्यक्ष वंदना उइके मंच पर मौजूद रहीं। सभी अतिथियों ने इस महिला क्रिकेट स्पर्धा की काफी सराहना की, साथ ही इस तरह के आयोजन की जरूरत पर बल दिया। सभी समाजों की जो महिलाएं हैं, जो कि अपनी अपनी व्यस्तताओं में से आते घर में या अपनी नौकरी पेशा में रहते हैं, उन सभी के लिए यहाँ अपना भारत ने जो है इतना अच्छा का आयोजन करा है और इसमें पहली बार हुआ है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी समाजों की महिलाओं को, खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को और विशेष रूप से नवभारत परिवार को बहुत बहुत बधाई की। बहुत बेहतरीन आयोजन किया है जिसमें महिलाओं के लिए क्रिकेट प्रतिस्पर्धा का आयोजन है, नाइट क्रिकेट का, और इसमें बहुत सारी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारी महिलाएं जो हाउस वाइफ्स हैं उन लोगों ने भी इसमें क्रिकेट खेला और बहुत अच्छा खेला। एक अच्छा माहौल, एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट इस पूरे आयोजन से बना है। मैं इसके लिए नवभारत की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है नवभारत की तरफ से, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि वुमेन को साथ में लाता है। आज औरतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, पर बिलासपुर के लिए ये बहुत अच्छी एक पहल है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू नवभारत और उसकी पूरी फैमिली को। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है। इट्स वेरी इनोवेटिव, वेरी न्यू प्रोग्राम, बहुत मजा आया एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम इन बिलासपुर। सभी ने बहुत मेहनत की है और कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो जिस तरीके से उन्होंने एक नई शुरुआत की है, एक हफ्ते लगातार महिलाओं के लिए एक अच्छा सप्ताह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। और वुमेन्स डे हर दिन है, उन्होंने इस शुरुआत से ये साबित किया है। महिला क्रिकेट का जो मैच का आयोजन किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये इस तरह से बिलासपुर की महिलाओं को काफी बढ़ावा मिला है कि वे हमेशा अपना घर में जो बिजी रहती है, अपने काम में बिजी रहती है, वो घर से निकल करके और इतना उनको सहयोग को मिला है, उत्साह और रुका हुआ है, बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है नवभारत का और ये सफल आयोजन है, इसके लिए मैं नवभारत परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। महिलाओं को इतना शानदार मंच दिया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, ये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किचन से निकल के, बेलन से निकल के अपना वह आसमान तक छू रही है, तो महिलाओं का हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ये संकेत देता है कि हम किसी से कम नहीं, बराबरी का संकेत है। नवभारत खबरों के साथ साथ संस्कृति, सामाजिक, सरोकार समेत खेलों में हमेशा अग्रणी रहा है। हर वर्ग का ख्याल रखते हुए महिलाओं को अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रदान करता रहा है। यही वजह है कि घरेलू महिलाएं भी चूल्हा चौका से दूर मैदान में चौका छक्का मारते नजर आईं। शहरी नहीं, आसपास के इलाकों में भी इस आयोजन की काफी प्रशंसा हो रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर की रिपोर्ट।